सेनेट के जिमनी इलेक्शन का मार्का, पंजाब असेंबली में आज मैदान सजेगा। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। पीटीआई के डॉक्टर शहजाद वसीम और नून लीग के ख्वाजा अहमद हसन के माबैन मुकाबला। 357 के ऐवान में 180 वोट लेने वाला जीत का अहल होगा। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। नजब कॉलोनी से अगवा होने वाले 9 साला अली रजा की लाश दरियाए रावी के करीब से बरामद। बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद लाश को वरासा के हवाले कर दिया गया। पुलिस जराए के मुताबिक अली रजा को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। बच्चे की लाश मिलने के 3 घंटे बाद इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान मुलजिम नईम अपने अंजाम को पहुंच गया, जबकि उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। जुनूबी छावनी में गुज़श्ता रोज़ रिश्तेदारों की फायरिंग से ज़ख्मी शख्स जनरल अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक शकील पर फायरिंग दूसरी शादी करने पर की गई। पुलिस ने लाश को मुर्दा खाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हुकूमत से कहा कि रेहड़ी बानों से उनका रिज्क मत छीनो, अवाम जल्द इमरान खान को मुस्तरद कर देंगे। हमजा शहबाज, अवाम को एहसास हो गया हुकूमत मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। मुल्क में तरक्की हुई तो सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में। शाहिद खाकान अब्बासी, लीगी रहनुमाओं का गड़ी शाहू में इंतखाबी मुहिम से खिताब। मियां शहबाज शरीफ के करीबी साथी राना मशहूद अहमद का बड़ा इंकशाफ, एस्टैब्लिशमेंट से मुआमलात तह पाने का दावा। कहते हैं डील करने वाले नहीं इदारों की इज्जत करते हैं। हनीमून पीरियड नहीं चलेगा, पीटीआई को कारकर्दगी दिखाना होगी। आइंदा चंद दिनों में पंजाब में जबरदस्त तरीके से सामने आएंगे। मुस्लिम लीग नून का राना मशहूद के बयान पर लाताल्लुकी का इजहार। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं बयान पर हैरत हुई, वजाहत तलब कर ली गई है। नवाज शरीफ की खामोशी से शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। मॉडल टाउन से एहतसाब तक नून लीग मजबूरियों में घिरी हुई है। हुकूमत की ताहाल कोई लाइन ऑफ एक्शन नजर नहीं आ रही। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहे मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान की एक सीट से दूसरी जगह पोस्टिंग। मारूफ मसूद सफदरवाला, एसएसपी स्पेशल ब्रांच साहिवाल तायुनात। तारिक अजीज का एसएसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरांवाला तबादला। एसपी सीआईए लाहौर अब्दुल रहीम शिराजी एडिशनल एसपी कसूर मुकर्रर। एसपी एंटी राइड लाहौर मोहम्मद नदीम एडिशनल एसपी शेखुपुरा तायुनात। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीली। यूसुफ नसीम खोखर चीफ सेक्रेटरी पंजाब तायुनात। अकबर हुसैन दुर्रानी को ओएसडी बना दिया गया। आजम सुलेमान को सेक्रेटरी वजारत दाखिला लगा दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। क्लीन लाहौर पहले रोज सुबह 10 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन शाम 6 बजे तक जारी रहा। बिल्डोजर क्रेनों और हथौड़ों से तजावुजात गिरा दी गईं। न्यू अनारकली स्टारलेट चौक वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में तजावुजात मिसमार। 285 थड़े 300 पुख्ता शेड 350 साइनबोर्ड गिरा दिए गए। मलबा लोडर गाड़ियों में भरकर गोदामों में पहुंचा दिया गया। जौहर टाउन का कब्जा ग्रुप मंशा बम डिफ्यूज कर दिया गया। एलडीए का कब्जा ग्रुप के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। भारी मशीनरी से दुकानें घर जंगले और प्लॉटों पर कायम तजावुजात मिसमार। मंशा बम के जेरे कब्जा 86 कनाल अराजी बागुजार, 34 प्लॉट 52 दुकानें और 84 नीलाम कर मिसमार। बागुजार कराई गई अराजी की मालियत 2 अरब 20 करोड़ से भी जायद। मंशा बम के कब्जे से अरबों रुपए मालियत की अराजी वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत का मुकम्मल तआवुन हासिल है। डीजीएलडीए आमना इमरान,
मंशा बम के खिलाफ 80 मुकदमात हैं। सैफ खोकर कब्जे में मुलाविस हुआ तो दरखास्त पर कार्रवाई करेंगे। एसपी ऑपरेशंस मुआज जफर। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत ऑपरेशन शुरू किया। पीटीआई का कोई एमएनए या एमपीए जमीनों पर कब्जे में मुलविस नहीं। तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी सरपरस्ती तजावुजात की अहम वजह है। कब्जा और तजावुजात माफिया के खिलाफ यकसा पॉलिसी इख्तियार करेंगे। सरकारी अराजी वागुजार करवाने का टास्क हर जिला को दिया गया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। धड़ाधड़ चालान शहरियों का पारा हाई हो गया। लक्ष्मी चौक पर वार्डन और शहरी में लड़ाई। वार्डन ने मुझे गालियां दी, मेरा हेलमेट तोड़ा और धमकियां दी, शहरी का इल्जाम। कैनाल रोड पर चालान होने पर शहरी का कपड़े फाड़ कर एहतजाज। नहर में छलांग लगाने की कोशिश। मोटरसाइकिल को मुक्के टांगे मारता रहा। चुंगी के रिहायशी शख्स ने रिक्शे को एहतजाजन आग लगा दी। कच्चा जेल रोड पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। चालान कटवाने के बाद जमा कराना भी हो गया महाल। लक्ष्मी चौक में चालान फीस जमा कराने वालों का दिन भर रश। शहरी कतारों में लगकर घंटों इंतजार करते रहे। इसहाक डार के असासे बराए फरोख्त। असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का गुलबर्ग में घर और गाड़ियां नीलाम और 6 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए, अदालत का हुक्म। स्मोक का खतरा, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। यकुम अक्टूबर से 16 दिसंबर तक सुबह भर में फसलों को जलाने पर पाबंदी आयद। महकमे दाखिला की जानिब से हुक्मनामा जारी। खेतों में फसलें जलाने से स्मोक और फजाई आलूदगी बढ़ती है। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। मुख्तलिफ इलाकों से 11 लाख गंदे अंडों की एक और बड़ी खेप पकड़ ली गई। गंदे अंडों की खरीद और स्टोरेज के किसी मुनज्जम कारोबार का हिस्सा है डीजी फूड अथॉरिटी। प्राइवेट स्कूल 1500 से लेकर 40,000 रुपए तक फीसें वसूल करते हैं। यकसां तालीमी निसाब के लिए कोशिशें कर रहे हैं वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू। बोले गवर्नर हाउस को म्यूजियम बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। लोग बाग़े जिना और दीगर पार्क्स को छोड़कर गवर्नर हाउस को तरजीह देते हैं। केनाल पार्क की रिहायशी खवातीन पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सरापा एहतजाज हुई। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हुई। मुतासरा खातून ने इल्ज़ाम लगाया, बेटी के ससुरालियों ने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद से बरतानवी इदारे डैफर्ड के वफद की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर सेहत का मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास। महकमा हेल्थ में इस्लाहात से मुतालिक मुशावरत। डॉक्टर यासमीन राशिद कहती हैं खैबर पीके में शोबा हेल्थ के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। सूबाई वजीर सरदार मोहसिन लगारी की जेर सदारत महकमा इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी का इजलास। पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। अदालती हुक्म पर पार्क्स के लिए नहरी पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सरदार मोहसिन लगारी बोले डिपार्टमेंट में काफ़ी कमजोरियां हैं, महकमे को असल हालत में बहाल करना होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन की गाड़ियां भी फरोख्त होंगी। कायद अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ने फालतू गाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली। 21,000 गाड़ियों समेत 89 गाड़ियां फरोख्त की जाएंगी। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने मंजूरी भी दे दी। हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की खवातीन मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। शौकत खानुम हस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए तकरीब का इनाकाद। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की 80वीं सालगिरह पर अलहमरा आर्ट सेंटर में तकरीब।
फनकारों की जानिब से भरपूर खिराज अकीदत पेश। अदाकार राशिद महमूद कहते हैं वहीद मुराद के साथ काम करने की ख्वाहिश अधूरी ही रह गई।